Kashyap. 3 minutes. 3 minutes. Institute of Petroleum and Energy Bill 2017 पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। सर, यह बिल जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, जिसके पास होने पे भारतीय पेट्रोलियम नामक संस्थान एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान हो जाएगा और यह उसी प्रकार से डिग्रियां देने काम करेगा जिस प्रकार से IIT डिग्रियां प्रदान करता है। और इसका जो संचालन ढांचा भी है IIT की तरह होगा। इस संस्थान की स्थापना के बाद पेट्रोलियम में ऊर्जा के सभी क्षेत्रों से जुड़ी शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण काम बहुत ही सुचारू रूप से हो सकेगा, जिसका फायदा न केवल आंध्र प्रदेश को होगा बल्कि इसका फायदा जो है देश और विदेश को भी होने जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश में ऊर्जा की बहुत सारी संभावनाएं हैं, अतः इस संस्थान के सफल होने पर देश की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा और यह संस्थान प्रदेश व देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा। इस बिल को मैं इसलिए भी महत्वपूर्ण मानता हूं कि जब तेलंगाना का आंध्र प्रदेश से इसका अलग होकर के इसका गठन किया गया तो भारत सरकार ने एक वादा किया था, आश्वासन दिया था कि आंध्र प्रदेश में एक पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी का गठन किया जाएगा। तो इस बिल के माध्यम से भारत सरकार जो अपना वादा पूरा करना जा रही है, इसलिए मैं मंत्री जी आपको और सरकार को इसके लिए बधाई देता हूँ। तो मैं अंत में दो बिंदुओं में अपनी बात कह करके बात समाप्त करूंगा। सर, इस जैसे संस्थान के लिए आंध्र प्रदेश ने निःशुल्क 200 करोड़ की एकड़ जमीन दी है और इसके बदले में जो है वहां पर जो गैर शैक्षिक कर्मचारी लगेंगे वो स्थानीय क्षेत्र के लोग क्षेत्र से ही लगेंगे। वैसे तो आपने इस बिल में आरक्षण की सुविधा का प्रावधान किया है, परंतु मुझे शंका है कि जो ये गैर शैक्षिक कर्मचारी लगेंगे स्थानीय स्तर के, क्या उसमें भी SC ST OBC का प्रावधान होगा? अगर होगा तो फिर ये भी बहुत बढ़िया आपका कार्य होगा। तो दूसरा, आज हमारे देश का जो पर्यावरण दूषित होता जा रहा है, जिसके कारण हमारे देश में बहुत सी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, तो इस संस्थान के बनने के बाद बहुत सी जहरीली गैसें उत्पन्न होंगी। मुझे शंका है कि हमारा जो पर्यावरण हो दूषित ना हो, इसलिए मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा भी हमारा वातावरण आगे दूषित ना हो, इसका भी इस संस्थान में पूरा अध्ययन किया जाए। अंत में मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूँ, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much.